अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज का प्यारा सा अमेजिंग सा ज़बरदस्त सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बहुत सारी खुशियाँ लिखकर नसीब करे, आमीन। पीछे से आपको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही होगी और सामने आप लोग को नज़र आ रहा है कोयला किंग। एक्चुअली हम लोग का मूड बना बाहर जाने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आउटडोर डिनर किया जाए। तो इस दफ़ा हमने इंतखाब किया कोयला किंग का। ये भी सल्तनत के साथ ही है लेकिन सामने वाली रॉ में है, और मिलेनियम जो शॉपिंग मॉल है बहुत फेमस, उसके साथ अब तो खैर बहुत सारे शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, पूरा एक मार्ट, बड़े बड़े मतलब तकरीबन मॉल्स हो गए हैं और सारे ब्रांड आपको अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, बहुत ईजिली बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये उसी के साथ इन लोगों ने एक तरह से फूड स्ट्रीट टाइप का बना लिया उसके फ्रंट वाले रोड पे, और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट यहाँ पे हो गए हैं बहुत सारों के, तो खैर नाम भी मुझे नहीं पता। तो ये वहीं पर एक रेस्टोरेंट था तो हमने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, बहुत भूख लग रही थी हम लोग को, इसलिए मेन्यू कार्ड भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और पीछे से बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी कि किस तरीके से हम सब को मतलब थोड़ा सा हंगर टाइम था तो इस वजह से भूख लगी रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को अपने फ्रेंड के साथ भी अपना आउटडोर डिनर शेयर किया जाए। ट्यूशन के ब्लॉग्स तो होते ही रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट मूड भी हो जाएगा ट्यूशन ब्लॉगिंग के बाद। तो मैंने सोचा क्यों ना वीकेंड की आपको वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों से ना आजकल छुट्टियाँ भी थोड़ी सी दो तीन हमें मिल गई, आगे तो एग्ज़ाम्स है, तो एग्ज़ाम में तो मेहनत ही मेहनत है। तो इस वजह से तो इंजॉय करें आप हमारे साथ कोयला किंग रेस्टोरेंट को। हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए थे और रिझान मियाँ खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सर्दी का मौसम है तो बच्चे ज़्यादा पहने हुए हैं ज़ाहिर है, और रात के टाइम तो वैसे भी थोड़ा सा सर्दियाँ बढ़ जाती है। दिन में तो फिर भी थोड़ा सा वेदर सही रहता है लेकिन रात को बहुत ज़्यादा। बहुत ह्यूज रेस्टोरेंट था ये भी और बहुत ज़बरदस्त था, और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि इस पर यहाँ पर सब कुछ बारबेक्यू में था। सल्तनत में तो खैर एवरी फूड आपको अवेलेबल था लेकिन यहाँ की स्पेशलिटी बारबेक्यू थी, और हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं थी कि उनको तो फीडर भी नहीं, उनको खाने से कोई मतलब ही नहीं, और बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों बच्चे और ये रैबिट वाले टोपे में, तो ये बात बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये आ गई हमारी दो शरारती सी लड़कियां अनाबिया और जुरेशा। जुरेशा का जो ये था ईयर कवर कहेंगे इसको, बहुत क्यूट सा था ये, आसपास दिलाया था और जैसे रैबिट की फॉर्म में था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। कोयला किंग रेस्टोरेंट, क्योंकि जब तक खाना नहीं आता तो खाने का वेट करने से बेहतर है कि बंदा कोई एक्टिविटी कर ले ताकि बोर ना हो। खाना टाइम ऑलमोस्ट 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स तो लगते हैं ज़ाहिर कुक होना, और इसकी स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पे सब कुछ ज़ाहिर बारबेक्यू हो रहा था तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये हमारा खाना आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं सर्विंग चल रही है, क्योंकि भूख लग रही थी इसलिए ज़्यादातर कॉन्सनट्रेशन खाने पर ही थी, और सब जल्दी निकाल भी रहे थे। ये कढ़ाई है मटन कढ़ाई, और ये कबाब टिक्के, मतलब मेन जो चीज़ें थी ना वो सारी बारबेक्यू ही थी। बारबेक्यू खाने का फ़ायदा भी है, इससे ना आपको भारीपन महसूस नहीं होता, मतलब फैट्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता।